दोस्त, आप सभी को नमस्कार। मेरे ये नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आप देख रहे होंगे हम जंगल में बैठे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं और मेरे साथ दो पत्थर बैठे हुए हैं, इनको देख सकते हो। और बताओ दोस्त, इनको पता नहीं है कौन सी देश के बीच में मतलब कि युद्ध हो रही है, तो इनको थोड़ा बताने वाले हैं। और चलिए थोड़ा बता देते हैं मतलब कि किस किस कंट्री के बीच में युद्ध हो रही है, को को देश भितर युद्ध हो तुम जान छो ना जान लो। यूक्रेन और रूसिया भितर युद्ध हो हां, युद्ध के बेठर आराम होलाणी किछि तुम दणा छ जानि जा। तो कथा हो जी यूक्रेन और रूसिया भितर वर्तमान कौन चल छी, वार चल छी, युद्ध चल छी। तो एक्चुअल रे युद्ध होबा कथा ना नाही ना होबा कथा नो कोन में होबा कथा नो मोसो मरि जे घर द्वारा सब जे नष्ट होइयो नष्ट होइयो। तांको कहया कथा हो छी जदी युद्ध होबो ताले घर नष्ट होइ जीवो, लोक मरि जीवे, ए सब माने प्रॉब्लम होबो। तापर खाइया पीबा मिलियोनी, ए सब प्रॉब्लम होबो नै कि। तो तेणु करी युद्ध न होबाटा ठीक आ भलो हेले कोन हो काई युद्ध हो जी तो जणा आज काई कि युद्ध हो जी तांको जणा नाही। तो आमे तांको टिके जणे देबा युद्ध एक्चुअली कोन पई हो जी। युद्धडा हो जी यूक्रेन चाहू जी नाटो देश रे मिसिया पे बोरिंग लाग नाही। तो कथा हो जी युद्ध कोन पई हो जी, युद्ध हो जी नाटो देश रे के मिसाउ जाउ जी यूक्रेन मिसाउ जाउ जी, किंतु रूसिया जाउची, रूसिया जाउची जे यूक्रेन नाटो देश रे न मिसु। नाटो सहित तो रूसिया रो होची संपर्क माने टिके बेंगो चेंगरास बुझेला, माने नाटो सहित तो रूसिया रो पड़ेनी। तो सेथि लागि रूसिया मना करची काकू यूक्रेन को मना करची तू नाटो देश सहित तो मिसनी, जदी नाटो देश सहित तो तू मिसिलु तते मारी। तो यूक्रेन रो जे राष्ट्रपति अछि से कोन कहउछन ना मु मिसिबी नाटो देश रे, तो सेथिलाई युद्धटा हो जाए। बर्तमान केते दिन है वाला युद्ध, आठ दस दिन है वाला, बहुत गुड़े घर भांगी गला, बहुत लोक मरीगले। तो ये युद्ध हवाटा भल नुहे ना कि। तो ठीक अच्छे पिला जान नथिले आम टे जनईदे बर्तमान सीए बोरींग माने कथा शुणा भल लगुनि, तो टे एंजय करदे। आम बर्तमान गोटे ग्राउंड को पलिया आए क्रिकेट प्राक्टिस करदे ना कौन कौज आमर जो क्रिकेट ग्राउंड अच्छी चल देखा बुले कि देखा आम क्रिकेट ग्राउंड केमती भितर प्राक्ट करूँ। बर्तमान आप देखेबू और यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कैसे हम क्रिकेट खेलेंगे और हमारे जो ग्राउंड जबरदस्त है और यहाँ पे हम एक जबरदस्त ग्राउंड में हम क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो हम आपको दिखाते हैं जहाँ हम क्रिकेट खेलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट खेलते हैं।
आज यहाँ पे आ गए थे जंगल और यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए आ गए। और हमारे जो क्रिकेट खेलने की मैदान आप देख लिए, ऑलरेडी आपने देख लिए, तो आपको ये हमारा जो क्रिकेट की जो मैदान था, जो भी ग्राउंड था, आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं और कुछ करते हैं। और यहाँ की जो नेचर है ना, बहुत ही खूबसूरत नेचर है, थोड़ा आपको दिखा देते हैं। जो हमारा ग्राउंड था यही था, ये हमारा पीच है, ये जो हम यहाँ पे हम खेल रहे थे और यहाँ से बॉलिंग कर रहे थे, यहाँ पे हमारा बैटिंग होता था। तो ठीक है, ये देख लीजिए कैसा है नेचर, बहुत ही खूबसूरत नेचर है, बहुत ही खूबसूरत नेचर है। नहीं आ कौन प्रेम आनंद कौन कौ जाओ कालू साहब आ कौन रियल फील गोटे हव ना कौन आ जंगल रे जदी बाघ हाथी आस जियो तुम डर लागनी इन्होंने बोल रहे हैं कि यहाँ पे यदि कोई मतलब कि टाइगर या कोई हाथी आ गया तो इनको डर नहीं लग रहा है, जब आ जाएंगे तो नीचे की तरफ दौड़ेंगे, ऐसे कुछ बोल रहे हैं। दौड़ी पड़ो ताले हाँ मुझे छाड़ी पड़ी गई तू हाँ। तो दोस्त अभी हम बच्चों को पूछेंगे, मतलब कि लॉकडाउन के बाद जब ये स्कूल जा रहे हैं, क्या सब पढ़ाई हो रही है, ये सब कुछ पूछने वाले हैं। और क्या बताते हैं आपको, चलो सुनाते हैं। लॉकडाउन पर जो स्कूल खुल रहा बर्तन क्लास कितना रू कितना पर्यंत हो जी, तो बच्चों ने बोल रहे हैं कि 10 बजे से 1 बजे तक मतलब क्लास हो रही है, ताले 10 गुट्टे पर्यंत क्लास हो जी ना। आओ आओ कौन सब चाल छी स्कूल ले को आ पाठ पढ़ा पढ़ी की होई जी ना होनी ना कौन में ना पाठ पढ़ा पढ़ी होनी ना सरकार कोई जी कि ना किसी दिन वाला स्कूल क्या जी दूसरी वाला को तो बच्चों ने बोल रहे हैं कि मतलब कि अभी जो लॉकडाउन के बाद स्कूल खोली है तो पढ़ाई नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, खेलने के लिए बोलते हैं और कुछ कबड्डी करने के लिए बोलते हैं, डांस करने के लिए बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं। और मतलब कि कोई स्टूडेंट जो कुछ भी मतलब कि जानता है वो कुछ करने के लिए बोलते हैं, तो अभी मतलब कि स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है ये बच्चों ने बोल रहे हैं। तो ये भी बढ़िया बात है, मतलब कि दो साल मतलब कि कम्प्लीटली बंद हो गया था स्कूल, तो स्कूल खोलने के बाद जब बच्चों ने स्कूल जा रहे हैं तो थोड़ा मतलब कि उनको इजीली जो टास्क है वो दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, मतलब कि बच्चों को सिखाते हैं। तो ठीक है, तो और भी कुछ स्कूल के जो स्टोरी होते हैं मतलब कि फ्रेंड के साथ वो पूछ रहे हैं, क्या बोलते हैं आपको सुनाते हैं। तो कह आओ कौन अलग स्टोरी अच्छी तुम सांग मान कह तो कौन करूच कौन नहीं कौन टे कह कौन खेल कह कौन सब खेल कह आ क्रिकेट मैच पके दो जो क्रिकेट वाला ना संजो ना स्कूल ले खेले में ना क्रिकेट। तो बच्चों ने बोल रहे हैं कि मतलब कि क्रिकेट खेलने के लिए नहीं दे रहे हैं, कि जो मैच ये करते हैं शाम को मैच करते हैं क्रिकेट की मैच,
तो स्कूल में क्रिकेट खेलने के लिए देते नहीं है, मतलब कि और भी जो खेल होता है, मतलब कि इंडोर गेमिंग होता है, वो सब खेलने के लिए बोलते हैं। आओ कौन को और भी पूछते हैं, देखते हैं और क्या बात बच्चों ने बोलते हैं। थोड़ा मतलब कि कैमरा के सामने बोलने के लिए मतलब कि इतना फी नहीं हो रहे हैं, इस वजह से ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं। कौन मजा मस्ती कौन करुच सब स्कूल रे, कौन कौन सब पढ़ला आज, जदि किसी क्लास रे किसी अलग सब्जेक्ट कौन कौन सब पढ़ा है कौन कह, जदि न पढ़ाई ना आउ कौन सांग मान सहित कौन सब कह। ये बोल रहा है कि लड़ाई हो गया है बच्चों के साथ, लड़ाई हो गया है फ्रेंड के साथ, ये बोल रहा है। और क्या हुआ है तो सही तो कौन ही चौ तो ठीक है दोस्त, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर भी कर देना, ठीक है। और आप सभी को क्या धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद, और जय भारत जय हिंद।